खबर जांजगीर चांपा से। जिले के शक्ति थाने में प्रार्थी राम नरेश कश्यप ने मोबाइल विक्रय का पैसा मोबाइल दुकान मालिक मयंक से 1,78,000 रुपए पेमेंट में लिया था, जिसे अपने बैग में रख लिया था। लगभग 3:30 बजे अज्ञात चोर द्वारा बैग के अंदर रखी रकम 1,78,000 रुपए को निकाल लिया और लेकर भाग गए। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर टीम गठित कर त्वरित कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम को रवाना किया। विवेचना के दौरान घटना स्थल एवं उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से फुटेज लेकर उप निरीक्षक नवीन पटेल द्वारा टीम बनाकर गुप्त सूचना के आधार पर बिलासपुर के लिए रवाना हुए। तभी उन्हें ग्राम देवरी खुर्द में सीसीटीवी फुटेज से मिलते हुए चेहरे के आधार पर संदेहियों को देखते ही टीम द्वारा तीनों संदेही जन मोंगिया तेज भान मोंगिया सुबीन मोंगिया पाथरिया थाना खिलासा जिला सागर हाल मुकाम देवरी खुर्द थाना तखतपुर जिला बिलासपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर घटना दिनांक को अपराध घटित करना स्वीकार कर बताए कि अपने साथियों एवं परिवार के साथ ग्राम पथरिया जिला सागर से चूड़ी बेचने के लिए करीबन 15 से 20 दिन पूर्व छत्तीसगढ़ आए हैं। जगह जगह डेरा लगाकर गली मोहल्ले में घूम घूम कर चूड़ी बेचने का काम से चोरी करने के लिए आए थे। नवधा चौक के मोबाइल दुकान में एक व्यक्ति ब्रेज पर बैठकर रुपए गिन रहा था, जिसे देखकर तेजभान मोंगिया एवं सजन मोंगिया दोनों मोबाइल दुकान अंदर चले गए एवं उसका साथी सुबीन मोंगिया दुकान के बाहर दूर से खड़े होकर निगरानी कर रहा था। तेजभान मोंगिया द्वारा दुकानदार से ईयरफोन खरीदने हेतु बातों में उलझाकर रखा तथा सजन मोंगिया द्वारा प्रार्थी के बैग में रखे 1,78,000 रुपए को अपने पास रखे थैले की आड़ लेकर बैग में रखी रकम को निकालकर तीनों चोरी किए गए रुपए को अपने डेरा ग्राम थाना तखतपुर चले गए और हम सभी रुपए को आपस में बांट ली। पूरी जानकारी प्राप्त होने पर आरोपियों से चोरी किए रुपए की पूछताछ करने पर आरोपी सजन मोंगिया से 40,000 नकदी रुपए लावा कीपैड मोबाइल व चूड़ी थैली तेजभान मोंगिया के द्वारा 30,800 रुपए नकदी रकम एक नग विवो टच स्क्रीन मोबाइल कीमती 10,000 रुपए एवं चोरी करने में उपयोग में लाए गए मोटरसाइकिल एवं सुबीन मोंगिया के द्वारा 20,000 रुपए एवं चोरी के रुपए से खरीदे गए चांदी के पायल वजनी करीबन 200 ग्राम कीमती 10,000 रुपए एवं कॉच प्लास्टिक की चूड़ियां कीमती 20,000 रुपए को बरामद कर जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध धारा 379(34) अपराध का घटित करना पाए जाने पर गिरफ्तार कर तीनों आरोपियों को ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया। संदेहियों के बारे में पर पता तलाश आस पास के थानेदारों से किए। इसमें जो निरीक्षक रूपक शर्मा है वो जो अपने सब इंस्पेक्टर नवीन पटेल के नेतृत्व में एक टीम गठित किया था और संदेह के संदेहियों को पता साझी की जा रही थी। इनको बिलासपुर देवरी के पास से पकड़ा गया है और इनके पास से 92,000 रुपये नगद बरामद भी कर लिया गया। उसके साथ बाकी पैसे का खरीदा हुआ सामान जो था उसको भी बरामद कर लिया गया है। इसमें तीन लोग हैं, तीनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं सागर जिले के। अब इनको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।